بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, السلام عليكم. My name is Sheikh Irfanullah Khan. And currently, I am working as assistant professor in the Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 Integral Equation के सिलसिले का आज हमारा यह 22nd लेक्चर है. 22nd लेक्चर का बाकायदा आगाज करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, उसका रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का कि उसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, ताकि वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर सके उनको आइडिया हो सके कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी. लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की एग्जांपल डिस्कस की विद डीजेनरेट कर्नल, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए जिसमें ये कहा गया कि इन जनरल होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन में आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते. जनरली बास केसेस में है, बास केसेस में नहीं है. और अख्तिताम पे हमने कुछ प्रोपोजिशन और थ्योरम डिस्कस किए थे. उस केस में जब हमारे पास कर्नल ऑफ एक्स टी और कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिजेनरेट फॉर्म में ना हो, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए कि होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन के सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हुई. और प्रोपोजिशन को थोड़ा सा अगर रिकॉल करें, फर्स्ट प्रोपोजिशन हमने डिफाइन की, प्रोपोजिशन क्या थी कि इफ the homogeneous integral equation u of x equals to lambda a to b k of x t u of t dt has trivial solution means u of x equals to 0, then the corresponding non-homogeneous equation u of x equals to f of x plus lambda a to b k of x t u of t dt, which is equivalent to always has one and only one solution. तो फर्स्ट प्रोपोजिशन हमने ये डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक सॉल्यूशन इन टर्म्स के यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन हो. बट
इन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये तो हमने एजम्पशन ली, अगर दूसरी तरफ हम ये देखें कि होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, या उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमें क्या रिजल्ट देगी। तो उस केस में नॉर्मली होता यह है कि टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं, कि कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन या तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन दे या फिर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। तो विदाउट प्रूफ उसके लिए हमने एक थ्योरम की स्टेटमेंट ली थी, थ्योरम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इफ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी एज सम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशंस यू जे ऑफ एक्स आर यू एन ऑफ एक्स जिस फॉर्म में भी हम डिफाइन करें, यू जे ऑफ एक्स देन द एसोसिएटेड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या बनेगी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt विल हैव सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कब होगा उस पर कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, आई एफ एफ स्टैंड फॉर इफ एंड ओनली इफ नॉन होमोजीनियस टर्म एफ ऑफ एक्स इज ऑर्थोगोनल टू एवरी सॉल्यूशन ऑफ यू जे एक्स ऑफ द होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन एच आई ई स्टैंड फॉर होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में ये दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन और थ्योरम इन स्टेटमेंट फॉर्म में हमने डिस्कस किए थे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रेडहोम इक्वेशन सॉल्यूशन, यहां पे अगर हम डी डिफाइन कर दें
existence of the Fredholm equivalent solution. इस एग्जांपल को कुछ स्टार्ट इस तरीके से करते हैं क्योंकि हमने एग्जांपल यहां पर डिस्कस करनी है जो लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस टर्म के लिए या होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज की थी, क्योंकि फ्रेडहोम इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस इन द लाइट ऑफ फ्रेडहोम अल्टरनेटिव जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया और आज के रिकॉल भी किया कि किस तरीके से प्रोपोजिशन हम डिफाइन की और उस प्रोपोजिशन को फ्रेडहोम अल्टरनेटिव भी कहा जाता है. इन द लाइट ऑफ फ्रेडहोम अल्टरनेटिव लेट अस डिस्कस द possibility of a solution to the non-homogeneous Fredholm integral equation u of x equals to f of x plus lambda 0 to pi cos square x cos 2t plus cos 3x cos cube t u of t dt इसे हम इक्वेशन स्टेयर कह देते हैं. लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी फॉर द केस ऑफ होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन. अब इसमें जो इजाफी टर्म है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आर नॉन होमोजीनियस टर्म. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इस होमोजीनियस सिस्टम के केस में हमारे पास आइगन वैल्यूज भी आई और आइगन वैल्यूज के साथ हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस भी डिफाइन किए. तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है. थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? इफ द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हैज सम ट्रिवियल सॉल्यूशन आर सॉल्यूशंस देन द एसोसिएटेड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ नॉन होमोजीनियस टर्म एफ ऑफ एक्स इज ऑर्थोगोनल टू एवरी सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन. तो होमोजीनियस इक्वेशन हमने डिस्कस की, इस केस में हमने आइगन वैल्यूज भी फाइंड की और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस भी कैलकुलेट किए. अब इजाफी टर्म हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स, उसे हमने स्टार से डिनोट कर लिया, विच इज एसोसिएटेड विद होमोजीनियस इक्वेशन अब वो होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास क्या थी? यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा जीरो टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू टी प्लस कॉस थ्री एक्स कॉस क्यूब टी यू ऑफ टी डी टी. इसे हम इक्वेशन डबल स्टार कह देते हैं. फॉर द टू केसेस f of x equals to cos x a or part b f of x equals to x.
ये दो केसेस हैं हमारे पास एग्जिस्टेंस के लिए, हमने एग्जांपल डिफाइन की और उस एग्जांपल में थ्योरम को यूटिलाइज करने के लिए कुछ नॉन होमोजीनियस टर्म डिफाइन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में। फर्स्ट हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं, जो होमोजीनियस इक्वेशन हमें डिफाइन है विद इक्वेशन डबल स्टार, उस केस में आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस किस तरीके से डिफाइन थे या उनकी वैल्यूज की थी, तो हम स्टार्ट वहीं से लेते हैं। द होमो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्टार विच इज गिवन बाय इक्वेशन डबल स्टार हैज टू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, और इन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शंस यू वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड यू टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x। इसे हम सॉल्यूशन कह देते हैं कि हमारा उस एग्जांपल का सॉल्यूशन है। द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्टार, स्टार जिसमें नॉन होमोजीनियस हमने डिफाइन की, व्हिच इज गिवन बाय इक्वेशन डबल स्टार हैज टू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आर आइगन फंक्शंस यू वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स यू टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3 x corresponding to eigen values are characteristic numbers lambda 1 equals to 4 over pi and lambda 2 equals to 8 over pi respectively. अब according to theorem जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू थ्योरम अबव इन ऑर्डर फॉर इक्वेशन स्टार इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विथ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब हमने चेक करना है कि कॉस एक्स जो नॉन होमोजीनियस टर्म है, क्या ये इन सॉल्यूशन यू वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड यू टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 3x, क्या इन दोनों सॉल्यूशन या इन दोनों आइगन फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल है या नहीं है, एंड लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4 over pi equals to lambda to have a solution
द नॉन होमोजीनियस टर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू द आइगन फंक्शन यू वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर एक्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द आइगन वैल्यू लैम्डा वन इक्वल्स टू फोर ओवर पाई. अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरम इन ऑर्डर फॉर इक्वाइन स्टार नॉन होमोजीनियस इक्वाइन हमने जो डिफाइन की जीरो टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स कॉस टू टी की फॉर्म में प्लस कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस क्यूब टी यू ऑफ टी डी टी विद नॉन होमोजीनियस टर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स और ये कहते हैं हम लैम्डा वन इक्वल्स टू फोर ओवर पाई टू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन तो उस पर कंडीशन क्या है मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू द आइगन फंक्शन u1 of x equals to cos square x. अगर वो उस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के ऑर्थोगोनल हो जाती है तब हम कहते हैं कि उस कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के अगेंस्ट या हमें नॉन होमोजीनियस टर्म का सॉल्यूशन मिल जाएगा विल हैव सॉल्यूशन कि उसका सॉल्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं अगर वो ऑर्थोगोनल हो होमोजीनियस इक्वेशन के तमाम सॉल्यूशंस के. दस वी शो दैट वी हैव टू शो दैट जीरो टू पाई कॉस स्क्वेयर x into cos x dx. अब इसमें ये cos x हमारे पास नॉन होमोजीनियस टर्म f of x and cos square x नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन u1 of x equals to zero. Zero to pi cos square x cos x dx equals to 0 और इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 टू पाई cos x f of x हमने फर्स्ट डिफाइन कर दिया इनटू u1 of x means cos square x dx आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इंटीग्रल वी गेट द रिजल्ट इक्वल्स टू 0 विच इन स्टार when in equation star we have lambda equals to lambda 2 equals to 8 over pi the solution exist since f of x equals to cos x is orthogonal to u2 of x equals to cos 3x that is integral 0 to pi cos x cos 3x dx again gives
एस रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, फॉर लेमडा इक्वल्स टू लेमडा वन फोर ओवर पाई एफ ऑफ एक्स इज ऑर्थोगोनल टू यू वन ऑफ एक्स, एंड फॉर लेमडा इक्वल्स टू लेमडा टू एट ओवर पाई अगेन कॉस ऑफ एक्स इज ऑर्थोगोनल टू द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यू टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस थ्री एक्स। सो इन पार्ट ए we conclude that, और conclusion किस बिहाफ पे दे रहे हैं, उस theorem के बिहाफ पे कि अगर हमारे पास orthogonal हो नॉन होमोजीनियस टर्म तमाम solution ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के साथ, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि नॉन होमोजीनियस टर्म solution exist करेगी, infinite many solution or no solution। so in part a we conclude that with f of x equals to cos x, अगर f of x की वैल्यू हम cos x लें, इक्वेशन स्टार, और इक्वेशन स्टार हमारे पास क्या थी, नॉन होमोजीनियस टर्म हैज ए सॉल्यूशन इन द टू केसेस व्हेन इट्स लैम्डा इज इक्वल टू ईदर वन ऑफ द वाइगन आइगन वैल्यू लैम्डा वन आर लैम्डा टू ऑफ इक्वेशन डबल स्टार जो हमें होमोजीनियस फॉर्म में डिफाइन थी। फर्स्ट केस हमने देखा कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स लिया जाए, तो cos x की फॉर्म में हमारे पास उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसका सॉल्यूशन हमें डिफाइन हो सकता है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं b, f ऑफ x इक्वल्स टू x। अब f ऑफ x इक्वल्स टू x, हमें ये केस चेक करना है क्या ये नॉन होमोजीनियस टर्म ये भी तमाम फंक्शंस या तमाम आइगन फंक्शंस के ऑर्थोगोनल है या नहीं है। सो इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जो हमने ये वैल्यू डिफाइन की एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉन होमोजीनियस टर्म, इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स is not orthogonal to either one of the eigen functions that is 0 to pi x cos square x dx। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 0 to pi x into cos square x की जगह 1 plus cos 2x by 2 dx, zero to pi x dx
प्लस 0 टू पाई एक्स कॉस 2x dx, फर्स्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें 1/2 एक्स स्क्वेयर बाय 2 0 टू पाई प्लस 1/2 एक्स साइन 2x ओवर 2 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई साइन 2x ओवर 2 dx इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 0 प्लस 1/2. तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 0, फर्स्ट साइन पाई साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0 एंड साइन 0 इक्वल्स टू 0 और x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 होगी प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4 0 टू पाई साइन 2x dx पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4 माइनस कॉस 2x ओवर 2 0 टू पाई पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/8 इंटू माइनस, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 1/8 कॉस 2 पाई कॉस पाई इक्वल्स टू माइनस 1 एंड कॉस 2 पाई इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस कॉस 0 1. तो ये टर्म हमारे पास 0 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4 और पाई स्क्वायर बाय 4 मींस नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है 0 टू पाई एक्स का स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो इसके मीनिंग हम क्या लेते हैं कि नॉन होमोजीनियस टर्म ऑर्थोगोनल नहीं है कॉस आर यू वन ऑफ एक्स जो होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सेकंड केस हम इसका डिस्कस करते हैं. सेकंड केस भी हमारे पास फॉर लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 8 ओवर पाई. तो उस केस में 0 टू पाई एक्स कॉस 3x dx अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी x साइन 3x ओवर 3 0 टू पाई माइनस साइन 3x ओवर 3 dx 0 टू पाई इक्वल्स टू साइन 3 पाई मल्टीपल ऑफ पाई है तो उस पर रिजल्ट हमारे पास 0 और 0 सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट 0 माइनस इनटू माइनस प्लस जब साइन को हम इंटीग्रेट करेंगे 1/3 कॉस ऑफ 3x ओवर 3 0 टू पाई विच इज इक्वल्स टू 1/9 कॉस 3 पाई माइनस कॉस 0 1/9 कॉस 3 पाई इक्वल्स टू माइनस 1 एंड कॉस 0 इक्वल्स टू
माइनस टू ओवर नाइन, और ये वाली हमारे पास अगेन क्या है, नॉन जीरो है, आर सिंपली जीरो टू पाई एक्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो नॉट इक्वल्स टू जीरो के केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि हम इसे इस फॉर्म में ऑर्थोगोनल नहीं कह सकते क्योंकि रिजल्टेंट हमारे पास नॉट इक्वल्स टू जीरो। हेंस वी कंक्लूड दैट इक्वेशन स्टार नॉन होमोजीनियस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट्स लैम्डा बीइंग टू इधर वन ऑफ द आइगन वैल्यूज लैम्डा वन इक्वल्स टू फोर ओवर पाई आर लैम्डा टू इक्वल्स टू एट ओवर पाई। लैम्डा बीइंग टू इधर वन ऑफ द आइगन वैल्यूज लैम्डा वन इक्वल्स टू फोर ओवर पाई आर लैम्डा टू इक्वल्स टू एट ओवर पाई। यहां पे हमने सिंपल दूसरे केस में हमने डिस्कस किया कि सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म की, आप इसे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करके आइडेंटिटी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उसके बाद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हम रिजल्ट देखें जीरो टू पाई इन यूज ऑफ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी एक्स कॉज ऑफ थ्री एक्स एक्स कॉज ऑफ थ्री एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर ओवर नाइन पाई, तो ये रिजल्ट हमें विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कि अगर कॉज थ्री एक्स की जगह हम वैल्यू वो यूज करें लाइक कॉज थ्री अल्फा इक्वल्स टू कॉज ऑफ टू अल्फा प्लस अल्फा, तो इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस फोर ओवर नाइन पाई, जैसे यहाँ पे हमने माइनस टू बाई नाइन के कॉज थ्री पाई कॉज पाई रेवोल्यूशन की फॉर्म में अगर हमने डिफाइन किया कॉस पाई माइनस वन टू पाई प्लस वन देन माइनस थ्री पाई माइनस वन, ये रेवोल्यूशन हमारे पास चलता रहेगा इस तरीके से। तो उस रिस्पेक्ट से अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज यूज करें तो डायरेक्ट वैल्यू यूज करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस टू ओवर नाइन विच इज नॉन जीरो। और अगर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कॉस थ्री अल्फा इक्वल टू कॉस टू अल्फा प्लस अल्फा को सिंप्लीफाई करके अगर हम यहाँ रिजल्ट यूज करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और वो नॉन जीरो रिजल्ट किस फॉर्म में हमने डिफाइन किया, माइनस फोर ओवर नाइन पाई। जस्ट यहाँ पे मकसूद हमारा कि हम चेक कर सकें नॉन होमोजीनियस टर्म ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो उस रिजल्ट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, चाहे वो फ्रेड होमोजीनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस फ्रेड होम इक्वेशन है, तो उन केसेस में हम किस तरीके से सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी इम्पॉर्टेंट फॉर्म या एज ए स्पेशल केस अगर हम डिस्कस करें कि अगर कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा
कि डिजनरेट कर्नल हम यूज कर रहे थे फॉर नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस टर्म, कि अगर हमारे पास कर्नल डिजनरेट या सेपरेबल फॉर्म में ना लिखा जा सके तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम किस तरीके से उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो उससे रिलेटेड हम फॉर्म पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेटिंग कर्नल बाय ए डीजेनरेट वन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के अगर हम मीनिंग देखें कि अप्रोक्सीमेटिंग ए कर्नल बाय ए डीजेनरेट वन, तो इस केस में कर्नल जो है वो नॉन डीजेनरेट है, नॉन डिजेनरेट कर्नल, और इसे हमने कन्वर्ट किस में करना है, डिजेनरेट, और उसकी अप्रोक्सीमेशन हमने लेनी है। इफ द कर्नल बाकायदा इफ द कर्नल की ऑफ एक्स टी इज नॉन डिजेनरेटिंग, उसे हम जेनरेट ना कर सकें, नॉन डिजेनरेट, देन इट मे बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए डिजेनरेट कर्नल एज ए पार्शियल सम ऑफ टेलर और सम अदर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ऑफ एक्स टी। यहां पर हमने क्या देखा, इफ द कर्नल की ऑफ एक्स टी इज नॉन डिजेनरेट, कि अगर हम उसे डिजेनरेट फॉर्म में ना लिख सकें, देन इट मे बी अप्रोक्सीमेटेड, उसकी अप्रोक्सीमेशन हम किस फॉर्म में लेते हैं, बाय ए डिजेनरेट कर्नल, डिजेनरेट कर्नल की फॉर्म में, हैज एज अ पार्शियल सम ऑफ टेलर सीरीज, कि उसकी टेलर सीरीज एक्सपैंड हम कर लें, और अदर सीरीज लाइक मैक्रोलियन, ये कोई फॉर्म हमें डिफाइन है एक्सपेंशन ऑफ के ऑफ एक्स टी। फॉर एग्जाम्पल ए नॉन डीजेनरेट कर्नल की ऑफ एक्स टी कॉज एक्स टी। तो इस कर्नल की तरफ अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो कॉज एक्स टी को हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा एक्स स्क्वेयर टी एक्स टी स्क्वेयर, तो इनमें हम एक्स और टी को अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं, बट इस केस में कॉज एक्स टी इसमें इनको अलहदा से नहीं लिखा जा सकता या पार्शियल सम की फॉर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते, तब तक जब तक हम इस कॉस एक्स टी को किसी सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें, टेलर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें, और एनी अदर और सम अदर सीरीज इन नॉन डिजेनरेट कर्नल की ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू कॉस एक्स टी मे बी अप्रोक्सीमेटेड by a degenerate kernel m of xt equals to,
वन माइनस एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर टी फोर बाय फोर फैक्टोरियल कॉस एक्स टी की सीरीज को एक्सपेंड किया और उसमें हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स और फर्स्ट थ्री टर्म्स को हमने न्यू कर्नल एम ऑफ एक्स टी और ये एम ऑफ एक्स टी हमारे पास क्या है अप्रोक्सीमेटेड डीजेनरेट कर्नल और डीजेनरेट कर्नल में इसमें देखें कि एक्स स्क्वेयर और एक्स फोर टी स्क्वेयर टी फोर इनको हम एज ए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एक्स एलोन एंड फंक्शन ऑफ टी एलोन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. एम ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल. अगर कोई कर्नल नॉन डिजेनरेट है तो उस पर सीरीज अप्लाई करके डिजेनरेट फॉर्म में बनाएंगे और वो डिजेनरेट फॉर्म हमारे पास किस चीज से रिप्रेजेंट होगी एम ऑफ एक्स टी. एम ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल विच कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द मैक्लारेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos xt is degenerate. First kernel किस form में define था non degenerating term और उस non degenerating term को हमने degenerate form में convert किया with the help of Maclaurin series. Let us consider the Fredholm integral equation with kernel k of x t u of x equals to f of x plus lambda a to b k of x t u of t dt and its associated equation nu of x equals to f of x plus lambda a to b m of x t nu of t dt. तो approximating a kernel by degenerate one कि अगर non degenerate kernel हो तो उस केस में हम original equation की associated equation in terms of न्यू ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं और कर्नल की जगह जो डीजनरेट कर्नल हमने एज्यूम किया है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं. न्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी एम ऑफ एक्स टी न्यू ऑफ टी डी टी. ये भी नॉन होमोजीनियस टर्म है बट अब इस केस में इक्वेशन टू और थ्री का अगर कंपेरिजन करें तो इक्वेशन टू में जो कर्नल डिफाइन है वो नॉन डीजनरेटिंग कर्नल है और इक्वेशन थ्री में जो कर्नल हमने डिफाइन किया है वो डीजेनरेट और डीजेनरेट कर्नल के बाद हमने सिंपल वही फॉर्म्स जो कि प्रीवियस एग्जांपल्स में या प्रीवियस मेथड ऑफ डीजेनरेट कर्नल फॉर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमने परफॉर्म किया वही मेथड हमने यहाँ पे भी परफॉर्म करना है फॉर न्यू ऑफ एक्स मीन्स फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन न्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस
लैम्डा ए टू बी एम ऑफ एक्स टी न्यू ऑफ टी डी टी के लिए इज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इस बात की मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है इक्वेशन थ्री की फॉर्म में इज एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन किस वजह से है कि जब कॉस एक्स टी की मैक्लॉरिन सीरीज हमने ओपन की तो उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हमने ली, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स मीन हमने ट्रंकेट किया सीरीज को, और ट्रंकेशन केस में हमेशा हमारे पास एरर इन्वॉल्व होता है। तो उस केस में एरर हम किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे, इसे अगर हम नोट कह दें, द एरर इन्वॉल्व इन सच अप्रोक्सीमेशंस इज यू ऑफ एक्स माइनस न्यू ऑफ एक्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन यू ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन एरर ऑफ सच अप्रोक्सीमेशन। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम नॉन डिजनरेटिंग कर्नल को डिजनरेट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड the approximation solution to the Fredholm integral equation u of x equals to sin x plus 0 to 1 1 minus x cos x t u of t dt। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्म डिफाइन है कर्नल में, कर्नल ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू वन माइनस एक्स कॉस टी, तो एक्स कॉस टी नॉन डिजनरेटिंग टर्म है बाय अप्रोक्सीमेटिंग इट्स फ्रेडहोम एसोसिएटेड। एसोसिएट हमने क्यों लिखा कि इससे हमने न्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाय अप्रोक्सीमेटिंग इट्स एसोसिएटेड फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन विथ डी जेनरेट। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, अप्रोक्सीमेट द कर्नल के ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू वन माइनस एक्स कॉस एक्स टी
बाय इट्स मैक्लॉरिन सीरीज, दैट इज 1 माइनस एक्स कॉस एक्स टी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और कॉस एक्स टी को अगर एक्सपेंड करें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 टी 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू माइनस इनटू माइनस माइनस एक्स 4 के बजाय अब एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स 5 टी 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, विच इज इक्वेशन 2. Makes the kernel equation 2 makes the kernel degenerate or separable in x and t. If we consider the first two terms of the series expansion, in equation 2 we get m of x t equals to 1 minus x, ये हमारी first term हो गई, plus x square x cube t square by 2 factorial ये second term, which is equation 3. Therefore kernel degenerate form में convert होने के बाद हमारे पास the associated equation is given by nu of x equals to f of x plus 0 to 1 m of x t nu of t dt. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, न्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमें क्या गिवन था इक्वेशन में साइन एक्स प्लस 0 टू 1 एम ऑफ एक्स टी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब टी स्क्वायर बाय 2 इनटू न्यू ऑफ टी डीटी, व्हिच इज इक्वेशन 4. Equation 4 has now degenerate kernel hence writing m of x t equals to 1 minus x plus x cube t square by 2 equals to summation k varies from 1 to 2 a k of x b k of t, which is equation 5.
फाइव इंप्लाई ए वन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म थी बी वन ऑफ टी, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है वन, ए टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड बी टू ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वेयर बाय टू। ये हमारे पास टर्म्स आई ए वन ऑफ एक्स, बी वन ऑफ टी, ए टू ऑफ एक्स एक्स क्यूब, बी टू ऑफ टी टी स्क्वेयर बाय टू, बाय इंप्लाइंग द मेथडोलॉजी ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन विद डी जनरेट कर्नल। We have C1 equals to 1.0031 and C2 equals to 0.1674. Therefore, न्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी वन ए वन ऑफ एक्स प्लस सी टू ए टू ऑफ एक्स बिकम्स न्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू 1.0031 एंड ए वन ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 0.1674 और ए टू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक्स क्यूब इक्वेशन 6 विच इज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1। बट ऑन द अदर हैंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 1 is u of x equals to 1 which can be verified easily। और verified किस तरीके से हम define कर सकते हैं कि अगर यही value direct हम उस solution में integral equation में substitute करें right hand side पे तो वो लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करेगा। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 0 to 1 माइनस एक्स कॉस एक्स टी एंड यू ऑफ टी इक्वल्स टू 1 डी टी इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 0 to 1 डी टी माइनस 0 to 1 एक्स कॉस
एक्स टी डी टी इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है एक्स साइन एक्स टी ओवर एक्स जीरो टू वन माइनस जीरो टू वन साइन एक्स टी ओवर एक्स डी टी साइन एक्स प्लस वन लिमिट सब्स्टिट्यूट करें साइन टी की जगह वन सब्स्टिट्यूट करने से एक्स साइन एक्स ओवर एक्स एक्स के साथ एक्स कैंसिल माइनस वन ओवर एक्स और इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने से ये रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्म में आएगा कॉस ऑफ एक्स टी और वैल्यू प्लस और इस नेगेटिव साइन के साथ माइनस वन ओवर एक्स कॉस एक्स टी ओवर एक्स जीरो टू वन इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स के साथ साइन एक्स कैंसिल इक्वल्स टू वन और लास्ट जब इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म हमारे पास इक्वल्स टू जीरो साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू वन और ये किसके इक्वल है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड यू ऑफ एक्स इक्वल तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन था और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन किस फॉर्म में डिफाइन हुआ वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1.0031 इंटू वन माइनस एक्स प्लस 0.1674 इंटू एक्स क्यूब विच इज गिवन इन इक्वेशन 6 तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के दरमियान कुछ कंपैरिजन डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन का हमारे पास रिजल्ट क्या आया और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन टेबल डिफाइन कर लेते हैं अब टेबल में फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास एक्स अप्रॉक्सीमेटिंग आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज न्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1.0031 एक्स प्लस 0.1674 एक्स क्यूब एंड एग्जैक्ट वैल्यू यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन जीरो 0.25, 0.5, 0.75 एंड लास्ट 1.0 और 1 इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं व्हेन वी सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू 0 इन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इट गिव्स 1.0031 एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज 1.000 व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 0.25 अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन गिव्स अस 1.002 एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज 1.00 When we substitute the value x equals to 0.5 in approximate solution, it gives us 1.002 and exact solution again 1. For the value x equals to 0.75, approximate solution is 1.002
3 and exact solution is 1.000 and for x equals to 1 the approximate solution is 1.009 and exact solution is 1.00. अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम एट x equals to 0, एट x equals to 0.5, एट x equals to 0.75 एंड एट x equals to 1, तो इन तमाम टर्म में हमारे पास एरर इन्वॉल्व है. और इस टेबल को अगर हम नाम दे दें कंपैरिजन बिटवीन approximate and exact solution. समराइज करते हैं आज के लेक्चर को. तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि हमने क्या चीजें डिस्कस की. उसमें सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जांपल्स. एंड सेकंड एक स्पेशल केस हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन डीजेनरेट फॉर्म में गिवन ना हो कि उसका कर्नल डीजेनरेट ना हो तो उस केस में हम उसे किस तरीके से अप्रोक्सीमेट करते हैं और अप्रोक्सीमेट बाय अ डीजेनरेट कर्नल किस तरीके से वो वैल्यूज डिफाइन करते हैं. उस मेथड के बारे में हमने पढ़ा, उस मेथड के वैल्यूज डिफाइन की, उसके मेन फीचर्स डिस्कस किए और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने उस चीज को कैलकुलेट भी किया. एट द एंड टेबल शो किया एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन कंपैरिजन between exact value and approximate value of the solution. बाकी इंशाल्लाह next lecture में हमने start करना है एक और special case of Fredholm equation. अभी तक हमने इन lectures में Fredholm integral equation homogeneous or non-homogeneous via degenerate form में define की है. अब kernel की new फॉर्म यानी उस स्पेशल केस हमने ट्रांसफॉर्म करना है व्हेन कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज सिमेट्रिक. तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामियो नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.